हेलो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हमारा घर दिखाएंगे इंडिया में, सिंगापुर में, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू माय हाउस, गिव यू अ हाउस टूर। तो चलो देखते हैं। पहले तो आपको दिखा दूं कि ये रोड ये है जहाँ पे, यू नो, दिस इज़ द रोड एंड अ पार्किंग गैराज, ऐसा पार्किंग लॉट और बस स्टैंड टाइप का है यहाँ पे। एंड मोस्टली यू नो यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है बिकॉज ये दिस रोड इज नोन एज पियर्स रोड, तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। मेन रोड उधर है वहाँ पे, तो वहाँ ट्रैफिक होता है। नाउ लेट्स लुक एट दिस। सो ये है चाबी, इससे अगर आप बटन प्रेस करते हो तो द मोमेंट, सी द डोर इज़ लॉक्ड, द मोमेंट आई प्रेस द बटन, ये बटन दबाया और ये डोर खुलना स्टार्ट हो गया। देखते हैं। सो द मोमेंट आई एंटर द हाउस, ये रहा, एंड आई हैव सम बिग पाम ट्रीज, बहुत सारे प्लांट्स हैं, सो दिस इज़ नाइस, एंड दिस इज़ द वॉकवे। ये जो एरिया है ये काफ़ी पॉश एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सिंगापुर के मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं इसी एरिया में। तो पियर्स रोड है और पास में ही स्वीट हैम रोड है। ये रहा, और ये मेरे घर का आउटसाइड व्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा दिखता है। बहुत ही ट्रॉपिकल रीजन है सिंगापुर, तो बहुत सारे ग्रीनरी है, इसको गार्डन सिटी भी बोला जाता है। तो ये है मेरे घर का बाहर से व्यू, ये है पार्किंग लॉट, तो यहाँ पे आप कार वगैरह लगा सकते हो। If you have guests coming in, so you can put them here as well. So ये सारे जो है, I have a security camera over there. If you see, there's a security camera. Big plants, गमले बहुत बड़े बड़े हैं, लगा रखा है, और इधर में भी है। तो ये sidewalk भी हमारा ही है यहाँ पे। ये रहा video. ये lights अभी अभी लगाई गई हैं, पहले नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या है कि आपको कुछ ड्रैगन अजी अलग टाइप के आपको एनिमल्स दिख जाते हैं सिंगापुर में, इसलिए सिक्योरिटी के लिए। ये है हमारा लिविंग एरिया, दिस इज़ द गेट, तो उधर से भी आ सकते हैं। ये रहा रोड की इस साइड से आते हुए इधर से भी आ सकते हैं, और यू कैन कम डायरेक्टली फ्रॉम हियर। ये एक वाटर टैप है जो वहाँ से ऑन होता है उस साइड से, तो इससे पूरा यू नो लॉन पे वो कर सकते हैं। ये बैक एंट्री की डोर है। नाउ इफ आई लुक एट दिस, नाउ लेट मी जस्ट ओपन द डोर फॉर यू। सो नाउ आई एम हियर, और ये है लाइक अ लॉन टाइप आई थिंक, तो यहाँ से ओपन भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपका ओपन रास्ता देखने का है, व्यू है, ओपन व्यू, और अगर आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस। नाउ लेट मी गो टू द लिविंग एरिया, दिस इज माय लिविंग एरिया। तो यहाँ पे पूरा ये पेंटिंग, दिस वाज बॉट फ्रॉम एक्चुअली अफगानिस्तान में मिला था। ये पेंटिंग भी बहुत स्पेशल है अगर आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि ये कारपेट के ऊपर बनाई गई है। अंदर में अगर जो है तो कारपेट के ऊपर में पेंटिंग को किया गया है, इसलिए ये काफ़ी स्पेशल है। ये वॉच भी काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये अपने आप सोलर एनर्जी के थ्रू चलती है। तो ये भी सीको कंपनी की ये वॉच है, हर घंटे में इसमें आवाज़ आती है। दिस इज़ द शैंडलियर, और ये है लिविंग एरिया का स्पेस, एंड दिस इज़ सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम है, सो नो इश्यूज़। ये डोंट नीड एसी दैट मच, थोड़ी देर एसी चलाओ फिर फैन आप लगा सकते हो, फैन स्टार्ट कर दो उससे। और यहाँ से ओपन व्यू आता है, तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ से ओपन व्यू आता है पूरे एरिया का। इफ़ यू वांट, इसमें आप डाउन कर सकते हो, अप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बटन्स हैं तो इससे आप अप डाउन कर सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू, ये देखो इसे ऊपर नीचे, अगर आपको धूप नहीं पसंद है ऊपर कर दो, ऊपर
का बटन दबाओगे और दोनों दबा दोगे तो रुक जाएगा। ये रहा, तो ऊपर अगर धूप ज़्यादा लग रही है तो ठीक है, रेनी सीजन है तो ऊपर कर दो आराम से। ये पूरे लिविंग एरिया से दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं थोड़ा इधर से, दो गेट्स हैं, एक इधर से है और वन गेट फ्रॉम दिस साइड। सो हियर ऑल्सो यू हैव एवरीथिंग हैज लाइक अ कवर्ड थिंग, तो आप इन सबको मोटराइज्ड है इससे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे इट्स लाइक अ रॉकिंग चेयर, तो आप आराम से बैठ के ऊपर नीचे करो थोड़ा सा। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज द एरिया रेनी सीजन में, ये है बैक साइड हम लोगों के घर का। तो वो जो फेंस लगा हुआ है दैट इज़ फॉर अ डिफरेंट हाउस, वहाँ पर। यहाँ पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप का है और ये प्लांट्स हैं, तो आप यहाँ पे कुछ यू नो इफ़ यू वांट, जैसे यहाँ बनाना डाल रखा है, बनाना ट्रीज हमने प्लांट किए हुए हैं, और भी वट एवर यू हैव यू कैन प्लांट ऑल दैट। और ऊपर में बहुत एक पेड़ गिर गया था तो बहुत खर्चा आया था यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि फिर यू आर हैविंग अ रेनी सीजन डे, यहाँ चेयर लगा के यू कैन हैव योर टी कॉफ़ी वट एवर लाइट्स, एकदम यू नो टिपिकल क्या कहें रिजॉर्ट टाइप का फील आता है। यहाँ से एंटर कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी, अगर आपको यहाँ पे यू नो यू वांट टू हैव अ गुड टाइम इन यू नो सन और इवनिंग टाइम, यू कैन स्पेंड हियर। यहाँ पे भी है, ये है डोर जो कि ऊपर छत की तरफ जाता है, तो छत पे आप चाहो तो जा सकते हो। यहाँ पे हर चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखा है ताकि यू नो यू हैव टू बी केयरफुल कि कोई एनिमल्स अंदर ना आ पाए। एक बार आगे भी गया था एक, तो भगाने में बहुत दिक्कत होती है, गिलहरी वगैरह ऐसे कोई आ जाए तो। ये एक रूम है, सो दिस इज़ वन रूम, एंड पूरा रिजॉर्ट वाली फील आती है यहाँ से। यहाँ पे थोड़े स्विचेस अलग टाइप के हैं, अगर देखोगे आप इंडिया में थोड़े अलग टाइप के होते हैं। और ये है हमारा एक छोटा सा मंदिर, यहाँ पे आप पूजा कर सकते हो। और ये है गैलरी, तो तीन रूम्स यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड है। वन, दिस इज द सेकंड रूम, सो यू कैन सी हियर, एंड दिस इज स्टोर रूम टाइप का है। ये भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मेरा पूरा नेटवर्किंग का सारा प्रोडक्ट मैंने यहाँ सेट कर रखा है। तो यहाँ पे सारा ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सेट है। और ये है राउटर, एक स्विच से कनेक्टेड है, एक और है जो इंटरनेट आ रहा है, और ये सब प्लग्स हैं। तो यहाँ पे हम सब स्टोर रूम के टाइप यूज़ करते हैं। अगर स्विच के थ्रू आप चाहो तो और डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। ये वायरलेस राउटर भी काफ़ी यू नो 2.4 और 5 GHz पे चलता है। एक वायरलेस एक्सटेंशन भी डाल रखा है, तो कभी जरूरत ना पड़े। और थोड़ा सा विंड ओपन है ताकि बाहर देख सकें। Now let's look. This is a very open टाइप का, काफ़ी ओपन लॉन टाइप का है कि यहाँ पे ओपन वाली फील है। और ये वास है जिसमें पानी जो है उसके बाहर ही नीचे आता है जब रेन बारिश होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। Now let's look at another room. Okay, the room is locked. Okay, this is another room. So this is one room, and यहाँ से भी बाहर का पूरा व्यू आता है। This is the fence is the end, और you know सब packing is going on, इसलिए हमारा बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप ए सी, यहाँ से आप ओपनली बाहर जा सकते हो यहाँ से भी। यहाँ पर लॉक्स भी अलग टाइप के हैं, यहाँ से भी आप ओपन जा सकते हो। एक सीढ़ी रखी हुई है इन केस यू नीड समथिंग। एंड दिस इज अगेन, हम बाहर को आ गए तो जो स्टार्टिंग में देखा था वहीं लॉन से यहाँ पे वापस आ गए एंट्री है। और ये पानी के लिए लगा रखा है कि बारिश हो तो पानी सीधे नीचे गिरे।
यहाँ से ओपन है और यहाँ से हम किचन को भी एक्सेस कर सकते हैं इस साइड से, तो मैं इस डोर को एक्सेस नहीं करता हूँ, तो वो बाद में दिखाऊंगा। वापस यहीं पे आ जाएंगे हम लोग तो वापस राउंड लूँगा। ये रूम्स के बैक साइड से जो व्यू दिख रहा था वो यहाँ का व्यू है गाइस, यहाँ से बैक साइड का व्यू दिख रहा था, दैट इज़ इट देयर। ये है सारा एकदम वुडन है, दिस इज़ बाथरूम का बैक साइड है, ओपन ग्रिल्स हैं ताकि हवा पास कर सके ईजिली। इफ यू वॉन्ट दिस शेप वगैरह कुछ भी करना है तो आप ये लाइट ऑन कर लो, लाइट्स इस टाइप के फिट किए गए हैं पूरे। और इसमें जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि ग्लास पार्टीशन है, सो इफ यू वॉन्ट टू टेक अ बाथ एंड यू वॉन्ट टू बी सेपरेट फ्रॉम दैट साइड, तो आप इस डोर को ऐसे बंद कर दो यहाँ पे एंड यू कैन टेक अ शावर। शावर भी है, वो भी है अगर आप फिक्स नहीं रखना चाहते हो। और यहाँ पे पूरा ओपन वाली फील आती है, जैसे कि आप कहीं रिजॉर्ट में हो या यू नो रूरल साइड में हो, वहाँ वाली फील आती है। और ये ओपन होने की वजह से यू नो हवा पास होती है एंड यू फील कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वॉशरूम रेस्ट रूम से। तो ये वॉशरूम है, लाइट्स बढ़िया, रात को बहुत अच्छा लगता है, उधर भी लाइट्स हैं। वापस भी हम यहाँ आ गए, लेट मी शो यू द किचन। सो दिस इज द किचन, इट इज दिस इज द डाइनिंग एरिया एंड हियर आल्सो वी हैव सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम, टू लाइट्स इफ यू आर डाइनिंग एट इवनिंग, हियर आल्सो यू कैन ओपन इट और जस्ट ओपन दिस, यस अब बाहर को जा सकते हैं। और मैंने बोला था वापस हम वहीं एक्सेस कर जाएंगे जहाँ पहले उधर से आया था मैं, देखो फिर वापस एक्सेस कर गए यहाँ पे किचन का। ये एक रूम, एक यहाँ पे मेरा एक डीप फ्रीजर टाइप का है, इधर से भी एक्सेस हो सकता है। और ये एक वॉशरूम है और ये एक छोटा सा रूम है किसी के लिए अगर आप यूज़ करना चाहो तो। नाउ लेट मी गेट बैक टू द किचन। और यहाँ से अगर आप बाहर को जाना चाहते हो डायरेक्टली किचन से, तो आप यहाँ से वापस निकल सकते हो और वापस आप कार पार्क के एरिया में आ जाओगे। नाउ लेट मी शो यू, वी हैव अ फैन। नाउ दिस इज द किचन एरिया, एक एसी सेंट्रलाइज्ड इसमें भी लगा हुआ है और दिस इज द वेयर वी कुक एंड ऑल दैट, डायरेक्ट चिमनी कनेक्टेड। एंड इफ यू वॉन्ट ओपन फ्रेश व्यू, आप विंडोज़ को खोल सकते हो। ये रहा एक ओवन, ऑलरेडी था बट शायद इट्स नॉट वर्किंग दैट फाइन, सो वी बॉट अनदर ओवन एंड दिस इज़ द इंटायर किचन एरिया। इफ़ यू वॉन्ट टू सेपरेट इट फ्रॉम द डाइनिंग रूम, तो आप इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हो, देयर इज़ अ लॉक हियर, तो आपको इस लॉक को खोलना पड़ेगा। यस एंड दिस इज़ हाउ यू, सो माय मॉम इज़ ऑलरेडी स्टैंडिंग देयर एंड दिस इज़ द लॉक हियर, it will be completely separated, you won't know if it is being cooked and you can eat safely here, no issues. This is all the glasses and everything that has been kept, so bahut sare glasses. Now let's go and explore the other side. So once you are inside you can open these for a fresh air and you can open this also taki you know when you're cooking you'll have that fresh air kind of feel बाहर से। हो गया, हाँ यहाँ पे एक फायर एक्सटेंशन लगा रखा है, ये हमारा वॉशिंग मशीन यहाँ पे लगा रखा है। और इसमें मैं इस रूम की बात कर रहा था, तो यहाँ क्या है एक फ्रीज़र टाइप का है, यहाँ पे हम बेसिकली यू नो ऑल ओवर सर्फ, लिक्विड वाला सर्फ और ये सब चीज़ें रखते हैं, ये सब चीज़ें, एक एयर पम्प भी है इनकेस फॉर द बाइसिकल्स एंड ऑल दैट। ये रहा देखो स्विच, यहाँ पे थोड़ा अलग है, लाइट ऑन कर दिया। और एक ये डीप फ्रीज़र रखा है जिसमें यू नो जो चीज़ें आप चाहते हो कि बहुत दिन तक ख़राब ना हो वो सारी चीज़ें हम रख सकते हो, जैसे ये गोल्ड पेटल्स वगैरह रखे हैं, एवरेस्ट के कुछ सामान है, डीप फ्राइड समोसा वगैरह भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये एक फ्रिज है, आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द लाइट, लेट मी जस्ट टर्न ऑफ द लाइट, दैट्स इट। और ये है,
यहाँ भी एक छोटा सा बाथरूम है, जस्ट इन केस फ्रॉम द किचन यू डोंट वांट टू एक्सेस देयर यू कैन डू दिस। और एक फाइनली एक छोटा सा रूम है अगर आपके पास यू नो टू मेनी गेस्ट हैं, एक छोटा सा रूम है जिसमें कि समवन फॉर समवन टू स्टे जस्ट फॉर द नाइट। सो ये रहा, इसमें एक अलमीरा दिया है, यहाँ पे एक बेड लगा दो, एक फ़ैन है क्योंकि एसी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, ये ओपन कर सकते हो अगर चाहो तो। एंड यू हैव दिस बिग अलमीरा हियर, ये कर सकते हो। यहाँ पे पोछे का भी बड़ा अच्छा हिसाब है, ऐसे वाला पोछा रखा है ताकि यू कैन क्लीन ईजिली। और ये पूरा ओपन फील आता है, किचन को आप सेपरेट कर सकते हो वहाँ से, मैंने जैसा बताया। ये रहा, पाम ट्रीज लगाए गए हैं यहाँ पे, और सबसे अच्छी चीज़ ये रहा। अब एक चीज़ जो बच गया है, यहाँ से मैं आया था किचन से, तो ये चीज़ को मैं दोबारा क्लोज कर देता हूँ, लेट मी जस्ट क्लोज इट। और देखो क्लोज करते ही अंदर का कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर से कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप शॉर्टकट लेना चाहते हो तो यहाँ से आ जाओ, आप सीधे मेन एरिया पे आ जाओगे। तो यहाँ पे मेरी एक मार्क रोजा वेब साइकिल है, दो डस्टबिन अलग अलग कचरों के लिए सेपरेट कर रखा है, और ये पूरे लाइट्स हैं जो जल जाते हैं, सो दैट इज़ वेरी गुड। अब रहा ये रहा, इस वाले एरिया में वापस आ जाओ, यहाँ से चलो। ये देखो यहाँ पे ट्रीज है, यहाँ पे एक पेड़ था जो बहुत गिर गया था छत के ऊपर में, बहुत पैसे लगे थे इसको रिपेयर कराने में, क्योंकि ये वाला ग्लास टूट गया था ऊपर से, इसकी बहुत अच्छी फील आती है छत पे से। सो यहाँ पे जब पानी गिरता है ये सामने से पूरा ऐसे गिरता है इसके ऊपर। ये प्लांट्स सब मेरी मॉम ने लेके आई नर्सरी से, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स नहीं थे यहाँ पे, तो इसको ब्यूटीफुल बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। यू कैन डू सम एक्सरसाइज यहाँ पे, योगा वगैरह ये सब चीज़ें कर सकते हो सुबह में। एंड दिस इज़ अ डेस्क एरिया, ये देखो, नाउ आई हैव टू ओपन दिस। ये खोलने के बाद ये सीढ़ी है। वन थिंग आई थिंक इज कि यहाँ पे थोड़ा ग्लास का कुछ लगना चाहिए ऊपर में, ताकि बारिश होगा तो पता ना चले, कम से कम यहाँ तक यू नो यू कैन वॉक ईजिली। ये रहा, छत पे आ गए हम लोग, छत का डिज़ाइन दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही अच्छा बनाया गया है छत। कैसा है ये देखो, सबसे पहले तो ग्रास कारपेट लगाई गई है, ये कारपेट है, कारपेट के ऊपर में मिट्टी डाल के थोड़ा सा ग्रास है, तो आपको वो वाला सा फील आएगा, पूरा पैदल चलने में मज़ा ही आ जाएगा। देखो जैसे मैं पैदल चल रहा हूँ यहाँ पे, पैदल चलने में आपको अलग ही मज़ा आ जाएगा पूरा। आपका सुबह सुबह मन कर रहा है कि योगा नहीं करके वॉक करने का, यहाँ वॉक कर लो। नेक्स्ट जो चीज़ है, एक लाइट है यहाँ पे, आप लाइट ऑन कर दो, इसके अंदर कई बार छिपकली घुस जाती है तो ध्यान से खोलना पड़ता है कि छिपकली अंदर तो नहीं है। यहाँ पे ये वाला टेबल ला के रखा है ताकि यहाँ चाय पी सकें। पहले यहाँ पे कवर्ड था पूरा, लेकिन एक पेड़ था यहाँ पे, वो गिर गया, उसके गिरने से क्या हुआ, ये पूरा टूट गया, ये टूट गया, लकली वो बच गया लिविंग एरिया का, और ये वाला जो है ये भी टूट गया। तो काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का खर्चा पड़ा था इसमें, इसको रिपेयर कराने में। तो यहाँ पे ये लाइट्स हैं हमारी, तो रात को आप आओ तो ये हाफ लैम्प है, ये है सेंट्रलाइज यूनिट जहाँ से पूरे घर का एसी चलता है एक ही जगह से, इंस्टेड ऑफ दैट। सो इफ़ यू वॉन्ट टू फिक्स इट, इसको अलग करके रखा गया है ताकि इसको आप फिक्स करना चाहो सेंट्रलाइज्ड एसी, तो यहाँ से कर सकते हो। आप यहाँ पे चेयर लगा के आराम से बैठ सकते हो रात के टाइम पे, लाइट ऑन करना है। इसका शायद स्विच नीचे से ही है, बट हाँ अगर आप ऑन करना चाहो, ये सब हाफ डिम लाइट जलती हैं तो वैसे जल जाएंगी। आप यहाँ पे चाय कॉफ़ी रख लो, चेयर लगा लो, आराम से बैठ के चाय पियो, एकदम रिजॉर्ट वाला फील है। देखो ऊपर में कैसा फील आता है, पूरा पेड़ है चारों तरफ, और पूरा एकदम लगता है कि मतलब आप किसी रिजॉर्ट में बैठ के। तो लैंडेड प्रॉपर्टी सिंगापुर में बहुत महंगी है, सब लोग मैक्सिमम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो यहाँ आप अगर ऐसे प्रॉपर्टी लो तो 40,000 सिंगापुरियन डॉलर, जो कि अराउंड 60 का रेट है, से लेके 1,00,000 डॉलर तक के बंगलोज हैं यहाँ पे। तो बंगलो का रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन यस इफ़ यू वॉन्ट गुड सर्विस देन यू हैव टू पे फॉर इट।
ये देखो एक चिड़िया वहाँ बैठी हुई है, अगर मैं थोड़ा ध्यान से दिखाऊँ तो आपको, देखो एक पीले रंग की चिड़िया बैठी हुई है, मैं ये देख सकता हूँ। बहुत सारे, अच्छा बहुत सारे आपको ऐसे भी जानवर एनिमल्स दिखेंगे जो वहीं नहीं थे, यहाँ पे था वो पेड़ जो गिरा था, तो उसको कटवाने का, पेड़ कटवाने का भी 4 से 5 लाख रुपए लग जाता है, तो लेबर बहुत महंगा है यहाँ पे सिंगापुर में। ये एरिया वन ऑफ द प्राइम एरियाज है, सामने ही हॉलैंड रोड है और जिसमें हम लोग रह रहे हैं वो भी काफ़ी प्राइम है, तो वैसा ही देखो वैसा ही हमारे उसमें लगा हुआ था, जैसे कि वहाँ लगा हुआ है वैसे ही यहाँ पे लगा हुआ था हमारे चेयर के पास में, जैसा वहाँ पे लगा हुआ है बारिश में आप बैठ के वहाँ पे, और वो भी मोटराइज्ड है, ऊपर नीचे किया जा सकता है, तो वो चीज़ यहाँ लगी हुई थी, वो चीज़ मिट गई, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको शाम का टाइम है, आप इंजॉय करना चाहते हो तो बैठो आराम से। और ये देखो यहाँ पे अभी भी थोड़े से मार्क्स लगे हुए हैं, क्योंकि ये सब गिरा था तो उसकी वजह से, लकीली इस पर कुछ नहीं हुआ, नहीं तो बहुत खर्चा बैठ जाता। तो ये ग्लास का पूरा सीलिंग वो था, ये वाला ग्लास टूट गया था पूरा जो सामने आपको दिखा रहा हूँ, इसको रिपेयर कराया गया। ये लकड़ियाँ टूट गई थी, ये लकड़ियाँ ऐसी हैं कि बारिश में कभी ख़राब नहीं होती हैं, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, तो ये एक प्लस पॉइंट है। यहाँ से आप ऐसे घूम के देखो, यहाँ पे आराम से बैठो, लकड़ी का फील लेना है, लकड़ी लो आपको यू नो फ्लोर का फील लेना है, पूरा ग्रेनाइट फ्लोर जैसा है, और अगर ग्रास का फील लेना है तो ग्रास लो। शाम का टाइम है तो डिम लाइट चाहिए तो डिम लाइट कर लो, नहीं तो इस वाले को थोड़ा ध्यान से खोलना पड़ता है क्योंकि छिपकली आ जाती है कई बार, तो ऐसे पहले चेक कर लूँ मैं, देखो कुछ गिरा। एक बार ये हो गया तो ऑन कर दो इसको, और ये देखो आप देख सकते हो ये लाइट जल गई मेरी। तो ये था ओवरव्यू मेरे सिंगापुर घर का, और यहाँ पे अच्छा है, ऐसे मैं तो जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ से, देखो अराउंड इतना स्पेस है जब मैं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ कोई 7 फुट का आदमी हो तो उसे झुकना पड़ेगा, एक ये दिक्कत हो सकती है। तो मैं इस लाइट को दोबारा बंद कर देता हूँ, होपफुली छिपकली ना घुसे इसमें, और ये लाइट्स भी जल जाती हैं यहाँ पे। यहाँ से आप मेन एरिया का ओवर द व्यू देख सकते हो गेट, अच्छा यहाँ पे गेट का भी इतना कोई इशू नहीं है, एक मेन गेट वहाँ पे है, मेन गेट देखो मैं यहाँ से भी खोल सकता हूँ, ये रहा मेरे चाबी, अगर मैं यहाँ से बटन दबाता हूँ तो वो गेट खुल जाएगा, ये देखो, क्योंकि वहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो गेट के पास में एक छोटा सा वाइट कलर का बॉक्स दिख रहा होगा जो कि रिसीव करता है, तो वापस करते हैं। और ये देखो मैंने यहाँ से दबाया और देखो गेट खुलने लगा, पूरा गेट खुलेगा, और ऑटोमेटिकली जब कुछ थोड़ी देर तक अगर वहाँ पे कोई अभी खड़ा हो जाए तो गेट खुल जाएगा अगर बंद हो रहा होगा तो, और थोड़ी देर में ना अगर कोई भी नहीं आता है तो गेट अपने आप बंद हो जाता है, तो कोई तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे गेट पे जाना है, वहाँ से डायरेक्टली कोई आ सकता है और यू नो मैं यहीं से खोल सकता हूँ गेट को। यहाँ से आप पार्किंग का अपना चेक कर सकते हो, ये देखो ये रहा, इसको ऊपर से कवर कर रखा है ताकि कोई इशू ना हो, तो ये रहा सबसे अच्छा मुझे ये व्यू लगता है, देखो आसमान पेड़, और टेम्परेचर यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है, गर्मी नहीं है तो आप आराम से यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। ये रहा ये ऊपर का व्यू, ये केवल आपको लैंडेड बंगलों में ही आ सकता है, अपार्टमेंट में ऐसा व्यू नहीं आ सकता, अपार्टमेंट में आपको लगेगा कि आप बंद बंद हो और ज़मीन तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि वहाँ पे पार्क्स होते हैं लेकिन वो आपके नहीं होते। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चाहूँ, जैसे बनाना ट्रीज़ लगा रखा है वहाँ देखो, तो वो चीज़ आपको वहाँ नहीं मिल सकती है, क्या बंगलो अपार्टमेंट में, यहाँ चाहो तो एक स्विमिंग पूल बना लो, जिम चाहो एक छोटा सा जिम बना लो, मैंने आपको ये दिखाया था जहाँ पे आप, मैंने दिखाया ना वुडन का था, रेनी सीजन में आप बैठ के घर का बैक साइड जो था वो इन्जॉय कर सकते हो। ये पूरा व्यू है गाइस, और ये मैं हूँ, तो सिंगापुर का ये पूरा व्यू, ये पूरे घर का आपको टूर मैंने करा दिया, अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़मीन में बनाया है घर, और बाकी साइड में बहुत सारा ज़मीन है,
बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतना नहीं है, बल्कि कंस्ट्रक्शन बहुत इसके प्यारा कंस्ट्रक्शन किया है, एक एक चीज बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। तो दिस इज़ इट, मैं नीचे जा सकता हूँ अभी, लेकिन आई थिंक मैं वीडियो को यहीं एंड कर दूँगा। ये देखो पेड़ वहाँ पे काटे गए हैं थोड़े से, देखो एकदम पूरा, अपने इंडियन लोग भी होते हैं बहुत लोग, जो लोग कि ये काम करते हैं, कंपनीज बुलाती हैं केरला वगैरह से, तो आप ये है, ये देखो ये पेड़ बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं। तो ये व्यू है ये, और देखो ये टाइम क्या हो रहा है अभी, यहाँ पे 1:15 हो रहा है। तो ये व्यू जो है इसके लिए है कि रिजॉर्ट वाली फी ये है। इंडिया में भी अच्छा है, गर्मी अगर ना हो तो इस टाइम भी, या ठंड ना हो, क्योंकि इंडिया में तो अभी बहुत ठंड पड़ रही होगी, दिसंबर का जनवरी का महीना है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। मैं देखो मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ आराम से, कोई वो नहीं है, हमेशा 24-25 डिग्री का। ये बहुत अच्छी बात है, कनाडा वगैरह में ठंड इतनी ज़्यादा है कि आप घर तो बना लोगे लेकिन बैठ नहीं पाओगे ऊपर में ऐसे, ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। सो गाइज थैंक यू फॉर द, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू वॉन्ट टू, देयर इज़ नो प्रेशर, फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोज I'll post and bye bye. Take care guys. Tata. Bye bye. And enjoy the view.